अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से ही होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज बात करेंगे डे क्रीम की। गर्मियों के सीज़न में अपनी स्किन की कैसे हम हिफाजत कर सकते हैं, जितनी केयर कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए, और इससे स्किन हमारी हेल्दी भी रहती है और जो भी डेड स्किन, जो भी मसले इश्यूज़ वगैरह होने होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, अगर स्किन की केयर की जाए तो। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम रेमेडी की तरफ आते हैं। एक बॉल ले लें, ठीक है, उसमें हम करेंगे टमाटर जूस, टमाटर का जूस मैं इसमें 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच टमाटर जूस निकाल लिया है। और इसमें हम जो दूसरी चीज़ डालेंगे वो है विटामिन ई का कैप्सूल। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम डालेंगे एलोवेरा जेल, 1 चम्मच एलोवेरा जेल की डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा पेस्ट जो है वो फेस पे लगाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने डेली, जब भी आपको टाइम लगे आपने इसको अपने फेस पे लगाना है, ठीक है, 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने उसको वॉश नहीं करना है, उसके बाद अपने हल्के हल्के हाथों से स्किन पे मसाज करना है, 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद फिर आपने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है, और उसके बाद अपना रिजल्ट देखिएगा अपने फेस का, बहुत ही अच्छा आपको क्लीन अपना फेस नज़र आएगा। इसको आपने डेली ही यूज़ करना है, ठीक है, डे में किसी भी टाइम, जब भी आप अपने आप को देते हैं टाइम फ्री टाइम में, उस वक्त आप इसको अपने स्किन पे लगा के मसाज करना है और उसके बाद तोड़ लेना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो सूरज की वजह से सन टैन बन जाते हैं, निशान्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, किसी भी किस्म के, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और आज की टिप अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी है। और ये आसान सी मैं आपके लिए टिप्स लेके आती हूँ जिसको आप आसानी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें, इससे मुझे ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है, मुझे तसल्ली होती है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। और आई थिंक आपको ये आज की टिप अच्छी लगी होगी और ये तकरीबन हमारा 2 या 3 दिन का बन गया, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाए आप इसको दोबारा बना सकते हैं और इसको फ्रिज में सेव कर लें। गर्मी है, गर्मी में बाहर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको फ्रिज में ही रखें और हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ बनाएं ताकि जब भी वो ख़त्म हो तो आप दोबारा से नई फ्रेश यूज़ कर सकें, नई बनाएँ। और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।